कहाँ पर, किस जगह पर? हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया देवास में प्रेस की सोयाबीन जो है तेल की रिफाइनरी और पैकिंग होती है यहाँ पर आए हैं जी। क्या 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 जो है तथ्य देखने में आए हैं और क्या निर्देश दिए गए? तथ्य ये देखने में आए कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, जहाँ से तेल सप्लाई हो रहा है वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मकड़ी के जाले हैं, टैंक जो है इनका कब साफ हुआ था उसका भी कुछ स्पष्ट वो नहीं है। तो इस पर इन्हें समझाई भी गई कि 2-3 दिन में अपनी व्यवस्था में सुधार लाए। क्या मानते हैं आने वाले के समय में, जैसे कई फैक्ट्री ऐसी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो गंदगी जो है? हाँ, ये अभी तो ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ठीक है मैम, आपका नाम और पता? पूनम तोमर, नगर कचिला देवास। कार्रवाई की गई है इस बार काफ़ी सारे टीम्स आई है हमारे यहाँ पर में, एटलीस्ट सभी चीज़ पूरी पैकिंग को उन्होंने ऑब्जर्व किया है टॉप से लेकर बॉटम तक। सर, शासन के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जहाँ तक कि जो सप्लाई जो टैंक में सप्लाई होता है तेल, उसी में कई दिनों से जैसे मेल जमा हुआ है, कई मोटी परत जमी हुई काले तेल। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है सर। वीडियो खुद कह रहे हैं टॉप में है, एटलीस्ट इन साइड में नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़। तो सर कब से क्लीन नहीं हुआ, वो कब से क्लीन किया? एटलीस्ट सर हमारे यहाँ 6 मंथ के अंदर में क्लीनिंग होता है और एवरी मंथ करते भी हम। तो सर 6 मंथ काफ़ी लंबा समय नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो मेल जो जमता है उस पर ऑयल का जो है, आप जानते हैं कि हर जगह जो है जल्दी जम जाता है, तो ये जो है काफ़ी समय हो चुका होगा 6 मंथ में जो गंदगी होगी जमे। एटलीस्ट प्रोसेस तो है हमारी, करते हैं उसके अंदर जब भी टाइम मिलता है और मंथ के अंदर जैसा टाइम मिलता है एम्प्टी आउट होता है, उसके बाद हम क्लीनिंग करवाते हैं उसके अंदर। पर अभी आपने कहा 6 मंथ में होता है, फिर आप कह रहे हैं 5 मंथ? सॉरी, 6 मंथ मीन्स काफ़ी दिन से जो टैंक आप ऊपर में देख रहे हैं ऊपर में नहीं होता, इन साइड में हम हर 6 मंथ के पर मंथ कम क्लीन करवाते हैं इसके अंदर। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर खाद्य तेल का वो किया जाता है, जबकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सीधी सी चीज़ें, भाई आम जनजीवन से जुड़ी चीज़ें, आपको यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए? हम सेफ्टी के साथ ही वर्क करते हैं सर। अभी आपके जो वर्कर जो है पैकिंग कर रहे हैं इस वक्त, ना तो उनके हाथ में ग्लव्स है और ना ही मतलब उनकी खुद की जो हाथों की गंदगी वगैरह भी जा रही होगी पैकिंग वगैरह में जा रही है अंदर, हमने ये प्रोसीजर पूरा वीडियो में बनाया है, क्या कहना है आपका इस सर? तो हम और तो एवरी टाइम तो हमेशा लगे कि रखते ग्लव्स वगैरह कैप वगैरह सबको दे रखा, प्रोवाइड करके रखा है। जो अभी जो है COVID-19 जैसी भयानक बीमारी, उसके बावजूद भी हैंड ग्लव्स मौजूद नहीं है आपके वर्करों के हाथ में, क्या कहना है इस विषय में? सर कुछ तो मतलब सर, आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा दीपक चतुर्मुखी। और ये इंडस्ट्रीज कौन थी? प्रेस्टीज सोया। किस पोस्ट पे आप यहाँ? फादर इंचार्ज कट कर दो सर।